नमस्ते, आ गए हम आपको स्वास्थ्य और गर्भावस्था से जुड़ी जानकारी देने। गजब है ना? तो दीदी, अब कल ही हम गोलू मोलू बच्चा को देखे, वो इतना तंदुरुस्त और गोल गप्पा जैसा था कि मन किया कि मन को मारो गोली और काम का बात बताओ। ओहो गजबे, लगता है कौन कौन मेल साफ कराना होगा। तो आज का एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि 6 महीने से 2 साल तक अपने बच्चे को का खिलाना चाहिए। तो सुनिए। अले ले 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 ले, मुन्नी को मजा आ रहा है। बोलो बोलो बोलो, अच्छा लग रहा है मुन्नी को। गिर 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 गिर। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है मुन्नी? अरे आशा दीदी, आप? हाँ हाँ, मैं यहीं से गुजर रही थी तो मुन्नी की हंसने की आवाज सुनकर अपने आप को रोक ही नहीं पाई। अरे अच्छा किया दीदी, अच्छा किया। आइए आइए ना, बैठिए यहाँ पर। आशा दीदी देखिए ना, मुन्नी देखते ही देखते 5 महीने की हो गई। 5 महीने की? वाह, पर याद है ना 6 महीने होने के बाद क्या क्या करना है? ये याद तो नहीं है आशा दीदी, पर अच्छा क्या करना होता है? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ मनोहर भैया। बच्चे को 6 महीने होने तक उसे सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। पता है 6 महीने तक माँ का दूध शिशु के शारीरिक जरूरतों को हर प्रकार से पूरा करने में सक्षम होता है, लेकिन 6 महीने के बाद से बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार भी देना चाहिए, क्योंकि ये पूरक आहार बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है। तो दीदी ये मुन्नी को माँ का दूध कब तक पिलाना है? बताती हूँ। देखो, बच्चे के पहले 2 साल तक माँ का दूध बच्चे के पोषण और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने का बहुत ही अच्छा स्रोत है, पर 6 महीने के बाद से बच्चे को पूरक आहार देना शुरू कर देना चाहिए। हाँ हाँ, हम समझ गए दीदी। हाँ आशा दीदी, कि मुन्नी को 6 महीने के बाद से माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार भी देना है। जी हाँ, और 2 साल तक के आयु होने तक साथ ही साथ माँ का दूध भी पिलाना है। हाँ बिल्कुल। जी हाँ साथियों, कोरोना महामारी के खतरे से अपने बच्चों को दूर रखने के लिए उनके खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। परिवार और बच्चे के लिए खाना बनाने से पहले हाथों को साबुन और बहते हुए पानी से 20 सेकंड तक धोएं। खाना बनाते समय या बच्चों को स्तनपान करवाते समय छींके या खांसे नहीं, इसके लिए रुमाल, कोहनी या फिर मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अपनी आँख, नाक एवं मुँह को न छुएं तथा एक दूसरे से बात करते समय 2 गज की सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।